रूपाली गांगुली और गौरव खन्ना स्टारर अनुपमा इन दिनों काफी सुर्खियों में है। अनुपमा में आए दिन ऐसे ऐसे मोड़ आ रहे हैं जिसने फैंस को हैरान करके रख दिया है। शो में कहानी छोटी अनु और माया के इर्द गिर्द घूम रही है। साथ ही अनुपमा को लेकर ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि माया का अतीत कहीं ना कहीं अनुज कपाड़िया से जुड़ा हुआ है। बीते दिन भी रूपाली गांगुली की अनुपमा में दिखाया गया कि माया अपनी कहानी सुनाकर अनुपमा के आगे आंसू बहाती है। वो छोटी अनु के साथ सोने के लिए अनुपमा से इजाजत मांगती है, लेकिन छोटी उसे छोड़कर अनुपमा और अनुज के पास आ जाती है। हालांकि रूपाली गांगुली की अनुपमा में आने वाले मोड़ यही खत्म नहीं होते। अनुपमा में एंटरटेनमेंट का डोज यही खत्म नहीं होता। शो में दिखाया जाएगा कि वनराज काव्या को लंदन जाने से रोकने के लिए उसके करीब जाने की कोशिश करता है, लेकिन काव्या उसकी चाल पर पानी फेरते हुए कहती है। वैसे तो ये चालें बीवियां चलती हैं अपनी बातें मनवाने के लिए, लेकिन यहाँ तो ये चाल तुम चल रहे हो। वनराज काव्या से कहता है कि तुम्हें जो करना है करो, लेकिन भारत से बाहर मत जाओ। वो माया और मोहित को लेकर कहता है कि मुझे मोहित अजीब लगता है और माया भी समझ नहीं आ रही। काव्या उल्टा उसे खरी खोटी सुनाकर वहां से चली जाती है। बता दें कि बीते दिन के एपिसोड में माया किसी शख्स से बात करती दिखाई दी थी, जिससे उसने कहा था कि मुझे मेरी बेटी से मिलवाने के लिए शुक्रिया, लेकिन ये सीक्रेट मैंने कोई और नहीं बल्कि मोहित है। हालांकि शो में ये दिलचस्प होगा कि मोहित के इरादे क्या है और उसने काव्या का इस्तेमाल क्यों किया। वही छोटी अनु के बहाने माया के असली इरादे क्या है।